बेस्ट 10 स्टूडेंट रवीना आ जाइए। हाँ जी, तो भावना जी ने जो रैंक इनको मिली है 1793 रैंक है, बेस्ट 10 है, अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व फीमेल, एम्स मिल जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। आप ऊपर आ जाओ, ऊपर ही खड़े हो जाओ। ठीक है, हाँ जी, मैंने भी लगाना जी। बाकी भावना बताएंगे आपको, रवीना बताएंगे कि कैसे आपने स्टडी की और ऑनलाइन में भी कैसे अपने आप को कंटिन्यू रखा, क्योंकि पंक तो लोग ऑफलाइन में मार गए, आना था ऑनलाइन में कैसे पढ़ा ये बताइए। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय टीचर्स, TSL फैकल्टी। मैंने अपने प्रिपरेशन लास्ट टाइम मतलब यूट्यूब क्लासेस से स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग से मैं मतलब सर की यूट्यूब क्लासेस रेगुलर लेती थी, यूट्यूब वाली क्लासेस मतलब वो भी मैं मिस नहीं करती थी। लास्ट टाइम मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, कोई बैच नहीं था, तो जो सर 9 PM क्लास लेते थे या 7 PM भी सर की क्लासेस होती थी, किसी अदर सब्जेक्ट की भी होती थी, तो वो बिल्कुल रेगुलर रही हैं। और मतलब लास्ट टाइम मेरी ये मिस्टेक रही है, लास्ट टाइम शॉर्टलिस्ट हुआ बट इतनी अच्छी रैंक नहीं थी, और उस टाइम मिस्टेक ये हुई थी कि मतलब यूट्यूब क्लासेस लेती थी, DTS भी मैंने ज्वाइन किया हुआ था, बट मैं उन चीज़ों को लिखती नहीं थी साथ के साथ, बस ये होता था दे दिया, उसमें देख लिया किसी में अच्छे आ गए ठीक है, और जो मिस्टेक्स थी उनको इतना नोट डाउन नहीं किया टाइम टू टाइम। और जैसे क्लासेस लेती थी मेनली ऐसा था कि मतलब रात को नेटवर्क नहीं रहता था तो मैं छत पे जाके लेती थी, और वहाँ पे मतलब नोटबुक लेके नहीं जाती थी, तो बस उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लिए, और ये होता था कि उसको बाद में लिख लूँगी, अभी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, और वो कभी नहीं लिख पाती थी, कुछ लिख लिया कुछ नहीं, वो बहुत बड़ी लैकिंग थी लास्ट एग्ज़ाम में। बट अब की बार उस चीज़ को देखा कि हाँ मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा, तो अब यूट्यूब क्लासेस जो अब की बार ली और जो टेस्ट सीरीज़ ली, वो जो भी चीज़ें मिस्टेक होती थी या जो भी चीज़ें नहीं मिलती थी वो साथ के साथ उनको लिख लेते थे की पॉइंट्स को। एंड मैंने बिल्कुल लाइव रेगुलर क्लास लिया अपने बैच के साथ, मतलब सर ने बोला था जैसे कि आज का काम आज ही करना है, तो वो चीज़ कभी भी क्लास मिस नहीं की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन क्लास छोड़ी है तो वो छूट गई उसका पता ही नहीं है। अगर बाई चांस कभी एक दो बार छुट्टी भी है तो वो जस्ट उसी दिन शाम को या नेक्स्ट डे की क्लास से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब ऐसे। और टेस्ट सीरीज ली, उसने भी काफ़ी हेल्प किया, एंड क्वेश्चंस मैं इतने नहीं भी कर पाई थी, बट थ्योरी सर ने बोला था अच्छे से करनी है, तो थ्योरी को बहुत अच्छे से किया मैंने। मतलब अपनी PR यादव की बुक जो है वो भी अभी कुछ टाइम पहले ही मंगाई थी, बिल्कुल नहीं कि नहीं रखी है, थोड़ी बहुत ही वो की है क्योंकि सर ने बोला था कि स्टार्टिंग में बुक कोई भी मतलब क्वेश्चंस करने नहीं है आपको, बस थ्योरी ही पढ़नी है, तो बस थ्योरी ही मैं पढ़ती थी, क्वेश्चंस करती ही नहीं थी मेनली कि जब सर बोलेंगे तभी करूँगी। जुलाई आ गया था, तब तक अभी मैंने फिर ऑर्डर करके बुक मंगवाई, तब स्टार्ट की। और NCLEX भी कुछ किया कुछ नहीं, और MOSBI का तो नहीं, बस सर की जो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सर ही करा देते थे तो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड जो सर ने एक दिन पहले भी PDF कराई, उससे एज इट इज़ क्वेश्चन थे एग्ज़ाम के अंदर, जिसका कहते हैं कि और मतलब बहुत क्वेश्चन थे कि हाँ सर ने बताए जैसे टॉपिक बताए, एंड वैसे के वैसे ही रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ भी रहा है जो कराया है, पर अगर रेगुलर लिया है तो वो चीज़ें सब समराइज रहती हैं। एंड वही है, रेगुलर लेने से थोड़ा ये रहा है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई है, और जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे किया है, ज़्यादा क्वेश्चंस पे नहीं किया, थ्योरी को अच्छे से कर लिया, एंड उससे ही हो गया, थोड़ा नेगेटिव कंट्रोल किया लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, जिससे ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, तो अब की बार और कोशिश की उसको कम करने की। थैंक यू सर।